सरपंच साहब आपू घोड़े फराए ठीक हो ना सेठ ठीक है क्या हाल है जी देव जी क्या बात है जी क्या बात है जी मंडल प्रधान जी ठीक है मंडल प्रधान जी वेलकम ठीक है जी क्या बात है जी आओ भी मुड़ी इतनी आई ना पति जी का कमाल है बड़े राम कन्नै चलो अक्षय भैया टाइम लगी है ना जे टाइम लगे ना प्रोग्राम है हरिजन मल्ला ये पंच साहब ने जनाब असें पानी मत पिलाओ इन्हें पिलाओ इंदे सामने फोन करे दो महाराज इंदे सामने फोन करे सर पानी रोजाना आना चाहिए इंदा जोड़ गंडना दा भी इंदा काम है ना मैं जोड़ गंडे आखे बाल नहीं साडे कोल मैं कलाई उठाउणी सर एक बाल खराब होया खड़ा 2 इंच टाइम लाया मैं कलाई उठाउणी ते कलाई चक्क सिंह होरी मैं सलाई अज दा कोई ना कुछ करी सलाई असी भा पानी नहीं पिलाओ जनाब इने पानी पिलाओ तोनु कहनी पा अरे बाद च पहले बगैर पानी की पानी पहले ले लीजिए या रोटी बनाने लीजिए या भांडा ठिकर मांज ले लीजिए एक बर्तन गना नहीं टाइम पास हो सकता नहाना भी जरूरी है इने पानी सर रोज नहाना चाहिए बिना नागा इत खाली नहीं ढक्की चढ़ सकता है भांडा पानी चुके ऊपर जाना पड़ता है वाटर टैंक बनना है एमरजेंसी पानी तो छोड़ना रोज वार्ड नंबर संदीप कि वार्ड नंबर 2 साड़ी है मुलाजम होर दे दो मुलाजम कोई अपने पिंड खोली
जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, अरविंद राणा जी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ए में आता है तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि आज ये जो हमारा काम था डगवेल का, जिसकी मतलब कि 8,02,94,000 के बीच में जो इसकी लागत थी, और ये जो दो डगवेल है जिसमें दो फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं जिसके अंदर, और हमारा जितना भी प्रोजेक्ट जो है ये इसमें 8 करोड़ में कंप्लीट हो रहा है। इसीलिए आज हम सभी का धन्यवाद करते हैं, यहाँ के जो थाना के लोगों का, जिनकी बड़ी पुरानी डिमांड थी, और आज जबकि मोदी साहब का ये सपना था कि हर घर नल हर घर जल, तो आज आप सभी देख रहे हैं किस तरह से ये डेवलपमेंट हो रही है। इसी तरह से रोड की कनेक्टिविटी भी आप देख रहे हैं लगातार चलती आ रही है, तो इसी तरह लोगों को भी विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पे। इसी तरह से हम सभी का विश्वास जीत के आज सभी का धन्यवाद करते हैं। मैं यही कहूंगी, जय हिंद जय भारत। सियापति रामचंद्र की जय। मंडल प्रधान जी मुबारक है, मुबारक जी। बड़े अच्छे फूल आते हैं माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी। मीडिया के बंधु का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आपने देखा हम लोग अभी जथाना गांव में हैं, जिस प्रकार अभी मेरे साथ जीडीसी की मेंबर साहिबा यहां पर रिमी चारक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंडल के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई सावर जी हैं, और यहां के स्थानीय जो हमारे पंचायत के सरपंच हैं मेरे भाई कृष्ण जी हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी प्रमुख कार्यकर्ता इस मंडल स्तर के जो है वो यहां पर हैं, और आला अधिकारी भी आपने देखा एक्शन साहब भी हमारे साथ हैं। तो आज बड़ा खुशी का दिन है, जिस प्रकार मुझे डीडीसी मेंबर साहिबा ने गाड़ी में अभी बातचीत करते करते बताया कि यहाँ पर बहुत पुरानी डिमांड थी यहाँ पर डगबेल के लिए, तो आज इन्होंने जो डिमांड लोगों की जो इलेक्शन के दौरान लोगों ने कही थी उनको कहीं ना कहीं पूरा किया है। तो आज इन्होंने दो डगबेल ही वो यहाँ पर उसका उद्घाटन हुआ है, जिस प्रकार जानकारी एक्शन साहब ने मुझे दी कि 8 करोड़ रुपये का ये प्रोजेक्ट जो है ये जुधाना गाँव पर मिला है। तो मैं अपनी तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मोदी जी ने ही कहा था कि हर घर जो है वो
जल पहुंचना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा प्रयास है मोदी जी का, तो मैं अपनी तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, जो हमारे विकास पुरुष हैं, यहाँ से हमारे सांसद हैं और हमारे पीएमओ में मंत्री हैं, स्पेशली उनका बहुत बड़ा रोल हमारे क्षेत्रों में रहता है। तो मैं अपनी तरफ से एक बार फिर से अपने पार्टी हाईकमान का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और स्पेशली जो हमारे आला अधिकारी हैं जिनके प्रयासों से ये चीज़ें संभव हो रही हैं ग्राउंड पर। तो मैं अपनी तरफ से एक बार फिर से DDC मेंबर साहिब को ये कहूँगा कि इन्होंने अपने क्षेत्र में जब चुनावों के दौरान जो जो इन लोगों ने इन्होंने वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने, तो ये पूरी मेहनत तो और लगन के साथ लगातार लोगों के संपर्क में और लगातार कार्य करते जा रहे हैं। आने वाले समय में भी आप देखेंगे, मैं हमेशा कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, बेशक वो संगठन का कार्यकर्ता है, बेशक वो हमारा चुना हुआ नुमाइंदा है, सब लोग मिल के आज आपने देखा हमारी पूरी टीम एक साथ एकजुट होकर लोगों की बेहतरी के लिए, समाज की बेहतरी के लिए प्रयास कर रही है। और आने वाले समय में भी आप देखेंगे हमारे एक एक DDC, हमारे पूर्व MLA, हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लोगों की बेहतरी के लिए, समाज की बेहतरी के लिए और बढ़िया तरीके से प्रयास करेंगे। और मोदी जी ने जो कहा था कि सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र उन्होंने दिया था, और मोदी जी ने वो करके दिखाया, और हम सब लोग उनकी उनके बताए हुए मार्ग पर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक बार फिर से मैं मैडम जी को, रिमी जी को, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की इस पूरी टीम को अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आशा करता हूँ कि हम सब लोग मिलकर लोगों की बेहतरी के लिए स्थानीय जो भी मुद्दे होंगे उनको हल करने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से मीडिया का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम।